नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट सी के बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज मैं आपसे बात करूंगा स्क्रोटल पेन के बारे में। स्क्रोटल पेन दो तरीके का हो सकता है, एक जो एक्यूट जो कि सडनली कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से है, और दूसरा क्रॉनिक जो कई महीनों से है। पहले बात करेंगे हम एक्यूट स्क्रोटल पेन की। हमारा जो स्क्रोटम होते हैं उसमें टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के पीछे एक छोटा ग्लैंड होता है, एपिडर्मिस होता है, और जो टेस्टिस में खून का या नसों का जो दौरा है वो पेट से आ रहा होता है, और इस कनेक्शन को हम कॉर्ड कहते हैं। दोस्तों, टेस्टिस में या स्क्रोटम में पेन इन किसी भी चीज़ों की बीमारी की वजह से हो सकता है। अगर हम कारणों की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीज़न है इन्फेक्शन, जिसको हम अगर खाली टेस्टिस में हो तो ओकाइटिस कहते हैं, या फिर अगर एपिडर्मिस और टेस्टिस दोनों इन्वॉल्व हैं तो एपिडर्मा ओकाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में टेस्टिस सडनली बड़ी हो जाती है और सिवियर पेन चालू हो जाता है। कई लोगों को उसके साथ यूरिन में जलन या फिर फीवर भी आ सकता है। ये कंडीशन इन्फेक्शन की वजह से होती है, और इसको डायग्नोज करने के लिए सिंपल यूरिन टेस्ट एक या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन सफिशियंट है, और इसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ ये कंडीशन ठीक हो जाती है। कई बार ये इन्फेक्शन जो है खाली टेस्टिस में ना होके उसके अपेंडिजेस में हो सकता है, जो थोड़ा सा रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है, बट एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन से ये कंडीशन रिकग्नाइज हो सकती है, और अगेन इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए प्लीज डू राइट टू अस एंड लाइक अ वीडियो। थैंक यू।